तो क्या गुगली और मैडम पाए नहीं पकाएंगे? अरे पकाएगा, क्यों नहीं पकाएगा? तुम खामखा परेशान हो जाती हो, पकाएगा। खाने के मामले में बहुत जालिम है हम लोग, किसी का भी लिहाज नहीं करते। अच्छा नहीं हुआ ना, फिर देखना। पैसे दबा करें, इज्जत रह जाए हमारी। डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज पाए, यही तो वो पाए हैं जिन्होंने हमारा सर बुलंद करना है। तुम्हारी मदद के लिए ये बताता हूँ कि इसको भूनते भूनते मूंगफली। बाप की तरह कूड़ मगज हो, फौरन कह दिया मूंगफली। मर गई मेरा सिर। अरे ये तो घूमर पड़ गया। घूमर पड़ गया मेरे सिर में, घूमर पड़ गया और पेटों में दर्द हो तुम्हारे। डॉक्टर को दिखा दो। नहीं अभी सो रही है, उठ जाएगी तो ले जाना। बॉल लगा कैसे? वो हम लोग बाहर लॉन में बैठे थे तो एकदम बॉल आई और सर पे लग गई। हाँ तो भाई लड़के जो खेलते हैं क्रिकेट तो बाहर से आके लग गया होगा, लेकिन ये बॉल करीब से लगे। ओ कुकली, अब जब मैडम को बॉल लगी थी ना तो मैंने देखा कि शो सब तेजी से घर के अंदर आ रहा था। हाँ तो फिर यूसी ने तो मारी होगी, वो कौन सा देख के खेलते हैं? मेरा नाम मत लेना गुगली, वरना एनी भाभी कहेंगी कि मैं तो शोजब के पीछे ही पड़ी रहती हूँ हर वक्त। कहाँ पीछे पड़ी रहती हैं अब शोजब के? तेरी भाभी क्या हो गया? समझा करो ना, तुम एनी भाभी को नहीं जानते, बात का बतंगड़ बना लेती हूँ। ये भी है। आपको याद है ना गुगली की गाड़ी का शीशा भी टूट चुका है एक दफा, कितनी टेंशन हुई। हाँ वो तो ना ही याद कराए। और नई टेंशन ये है कि एक तो मैडम को पाए की थकन, ऊपर से सर पे गेंद लग गई, एक दिन तो वो काम करने से बिल्कुल रही। इसमें प्रॉब्लम क्या है? पाए तो दोनों मियां बीवी ने बनाए थे, आपने और तहरीम ने तो कुछ भी नहीं किया। ओ एक तो आप ही ना, हम क्या बात कर रहे हैं, आप बात कहां ले जा रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप डैडी से मासी की बात कर लेनी चाहिए, वो पिछली वाली बात तो हमें भूल गई होंगी। हाँ वो तो भूल ही जानी चाहिए। अरे अब तो आप हमें डरा रहे हैं। डराने वाली कौन सी बात है, मैं कोई अम्मी थोड़ी हूँ जो बोल दूँ कि मैं भी भूल गया। अच्छा तो फिर हम डैडी से बात कर लेंगे। हाँ लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। ये डरपोक हैं आप अख्तर अली खान, अपनी जिम्मेदारी पे चाय तो पी लेंगे ना। हाँ ये जिम्मेदारी मैं हमेशा उठाने को तैयार हूँ। चलिए फिर टाइम हो रहा है, बंद करें इसे बस, फिर बुलाने ना आना पड़े। आइए जल्दी जल्दी आ जाए। मैं बस अभी आया। हाँ भाई मास्टर, सुधर नानी तुमने, जानते हो तुम्हारी कितनी शिकायतें मिल रही हैं मुझे। क्या किया मैंने? क्या किया है और क्या नहीं किया ये सब कुछ मुझे मालूम है, और तुमने गुगली चाचा का भी सिर्फ प्यार देखा है और सिर्फ प्यार ही देखना। कोई मिसगाइड कर रहा है आपको? नहीं कोई मिसगाइड नहीं कर रहा, ये जो तुम मुस्तकिल नोबल करवा रहे हो ना, ये इसी वजह से मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अच्छा नोबल करवाते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? ये तेरा काम थोड़ी है, थर्ड एम्पायर के कैमरास हर जगह लगे हैं, समझ आ रही ना तुम्हें? सॉरी। और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि सुधर जाओ, और ये शिकायतें मुझे बिल्कुल भी ना मिले तुम्हारी, क्योंकि अभी तक तो ये बात तुम्हारे मेरे दरमियान में, नेक्स्ट टाइम ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा अब मैं जाऊं? जाने देना। थैंक यू। भाई मुझे कोई इतराज नहीं, आजकल तो हर घर में मासी है। तो फिर डैडी हम मासी रख लेना। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डिपार्टमेंट जो है ना तुम्हारी अम्मी का है, मैं बीच में बोलूंगा
तो खामखा कहेंगी कि आप अपने काम से काम रखें। डैडी खैर आपका कहा तो कोई भी नहीं टाल सकता, आपका कहा तो पत्थर पे लकीर होता है। अरे यही तो बात है, पत्थर हो तो लकीर खींचू ना। पर डैडी हम कौन सी दुनिया से निराली बात कर रहे हैं, कोई आजकल के जमाने में ऐसा कौन सा घर है जहाँ मासी नहीं आती? भाई वादा नहीं करता, बात करूंगा, मामला जरा हसास है। ऐसा ना हो कि इशरत जहाँ का रद्द अमल शदीद हो। हाँ लेकिन डैडी अगर आप चाहें तो चुटकी बजाते ही मसला हल हो सकता है। अच्छा बेटा बात करता हूँ, देखता हूँ। क्या ठीक है, क्या देख लेते हैं, हैं? अरे भाई आपको बताना जरूरी नहीं है। क्यों, मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं है भाई? अरे भाई कोई खास बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह रानी बीबी देख के मुझे घबराई थी यही खास बात है, आई होंगी अपना दुखड़ा रोने? अरे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो आप सोच रही हैं ना वो गलत है, कोई दुखड़ा उखड़ा रोने नहीं आई थी। तो फिर बता दें ऐसी क्या बात है? अरे बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? अब बताना नहीं चाह रहे, बात सारी ये है। अरे बता देंगे तो आपकी तेवरी पे बाल आ जाएगा। बल तो बाद में आएगा, पहले ये बताए चल कहाँ दिए हैं? आपको रहमानी साहब के अलावा दोस्ती के लिए कोई और नहीं मिला? हाँ तो आपको भी मिसेज रहमानी के सिवा कोई और नहीं मिला था दुश्मनी को? मैं और उनसे दुश्मनी, शक्ल देखी उनकी। तौबा है वैसे इशरत जहाँ तुम्हारी। तौबा है, अपनी मंतके झाड़ के चल पड़ते हैं। मैं भी पूछ के रहूँ बात क्या। मैंने सुना है कि आपका जो सर है वो किसी गेंद से जा लगा, तो अब कैसी ये गेंद, डॉक्टर को दिखाया? हाय मजी पाई कास में, मेरा तो सिर में आके गेंद लग गई थी जोर से आए, और मुझे तो दिन में ही टू अंकल लिटिल स्टार दिखाई दे गए। अच्छा जी, तबे सॉरी रजिस्टर्ड। वैसे आजकल आपकी अंग्रेजी जो है वो कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं हो रही है? वो क्या है ना मजी भाई, मेरे ना आजकल ATH इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, वो भी फर्राटे से। ATH अंग्रेजी, भला ये क्या बला है? हाय मजी भाई आपको नहीं पता, ये कोई बला ब्लू नहीं है, ये तो अंग्रेजी है जो किसी की समझ में नहीं आती और ना इसको कोई अंडा मेस्ट काट सकता है। क्या बात है आपकी दी, मैंने तो अपने जिंदगी में अपने दिल में दिमाग में इसको अंडरस्टिमेट कर लिया है, और आप इस तरह अंग्रेजी बोलती रहा करें ना, ताकि लोगों को अपने टाइम का अपने वक्त का किसी चीज की फिक्र ही ना हो, वो जाया होती रहे। हाय मजी भाई आप ना बड़े ही एडवोकेट हैं, तो मैंने भी एक बात साइड कर ली है, बस मैं बोलूंगी आज से तो सिर्फ ATH इंग्लिश ही बोलूंगी। एडवोकेट ओके नहीं मैडम, बोले आप अंग्रेजी दिल खोल के बोले, ताकि आपके सामने कोई बात ही ना कर सके। अच्छा मैं चलता हूं। वेरी गोइंग मजी भाई, वो मेरे ना पूछना था कि क्या मैं आपके साथ और त्रिम भाभी के साथ ये ATH इंग्लिश बोल सकती हूँ? मैं जरा जा रहा हूँ ये ATH अंग्रेजी खरीदूं। हाय तो मतलब मजी भाई ये जो ATH इंग्लिश है ये सेल भी होती है, ये खरीदी भी जा सकती है? हाँ हाँ, आपको नहीं पता भाई वो जो जिन्होंने ये अंग्रेजी की किताब लिखी है ना ATH, वो तो उनका तो बेचारे का इंतकाल हो गया, तो उनके बच्चों ने उनकी किताब निकाल के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। हाय तो ऐसा है तो मच्छी भाई मेरा भी एक काम कर देंगे, आप जाते जाते मेरे लिए भी ना 15-20 किलो ले आए। किलो 500 रुपए किलो? हाय मच्छी भाई ये तो बड़ी डिस्पेंसिव है, फिर की करिए? नहीं नहीं मैडम, वो बड़ा ही कोई फ्रेश माल है, उससे आज तक किसी ने स्पीक ही नहीं किया है ना, यू नो अंडरस्टैंड, तो मैं ले आता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट में मुझे दे दीजिएगा। सची मच्छी भाई फिर एक काम करें आप, आपने रात जाना है तो ATH इंग्लिश बड़ी सी कार के लेके आनी है, जो उसमें जरा सी भी खराबी होना तो मैंने वापस कार देनी है। आप फिक्र ही नहीं करें जी, मैं अभी जाता हूँ और सी करके लेकर आता हूँ, 100% गारंटी वो प्योर माल है, अगर खराब हो तो पैसे आपके सारे वापस। तो फिर तो छेती छेती जाओ ना मुझे भाई। अच्छा मैं जा, ओके सी। लेकिन एक बात है, ये जो ATH इंग्लिश है ना ये है बड़ी डिस्पेंसिव। हाय चल खैर आ तो जाएगी ना। आप समझती नहीं ना बात को, हमने बात की है मिस्टर तलवार सिंह से, वो राजी हैं।
तो अपने तरीके से अब वो समझाएंगे किसको? तलवार सिंह को, और उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। तहरीम, आपको भी मुबारक हो और मैडम को भी। अरे किस चीज की मुबारकबाद दे रही है? दिली मुराद छोरियों ने। दिली मुराद, वो भी दोनों की? देखिए हम सबका भला सोचते हैं, ऐसे तो है नहीं कि अपना फायदा देखा और ये जा वो जा। बता भी दे। बता दे, कहीं आप खुशी से चीख तो नहीं पड़ेंगी? वेल, ये तो न्यूज पे डिपेंड करता है। तो मोहतरमा तहरीम साहिबा, खबर बल्कि अहम तरीन खबर ये है कि हमने घर में क्या मासी रखने की बात कर ली है। भाभी अल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया भाई। ये काम अब ऐनी भाभी के अलावा और कौन कर सकता? तो तलवार सिंह जी ने क्या कहा? क्या वो मान गई? इतने आराम से नहीं वो मान सकते। अरे उनसे थोड़ी बात की है हमने, फिर ने तो मिस्टर तलवार सिंह से बात की है। तलवार सिंह जी से बात करती तो मान। ओ तहसीम, समझी नहीं। ए, हमने बात की है मिस्टर तलवार सिंह से, वो राजी हैं। तो अपने तरीके से अब वो समझाएंगे किसको? तलवार सिंह को, और उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। तो आपने कमाल कर दिया एनी भाभी। हम तो कमाल ही करते हैं, आपको पता है कच्ची गोलियां तो हम खेलते नहीं। अच्छा, तो इसलिए आई थी मेरे कमरे में है? मुझे उसी वक्त बता देते, मैं वहीं के वहीं पूछ लेती है। आखिर मासी रखने में परेशानी क्या है? अरे क्या हो गया कुदरतुल्ला, नवासे नवासी पोते पोतियों वाली हूँ हैं? याद करके बताएं अपने ईमान से, जब बच्चे मेरे छोटे हुआ करते थे, आपका साथ था, मैं अपने सारे घर का काम अकेले हाथ से नहीं किया करती थी। ये तो अब इस कदर नखरे हो गए पता नहीं मासियां रखने के। घर में खाने को नहीं है, शान दिखाने को मासी जरूर रखेंगे। वाह भाई वाह। अरे तुमने तो मासियात पे लेक्चर देने बैठ गई। क्यों ना दूं, सारी जिंदगी अपने हाथ से काम किया है और अल्लाह से एक ही तो दुआ की है कि अल्लाह चलते हाथ पैर उठा ले, किसी की मोहताज ना बनूं। आए हाय, लगता है थक गई। अब भी ना थकूं, जान कहां रही अब। मेरा ख्याल है मासी रखने की इजाजत दे दो। क्यों रखने दो मासी, बस एक दफा कह दिया नहीं रखनी तो नहीं रखनी। आपकी जिद से आज नहीं तो कल आप ही को नुकसान होगा। क्यों भाई क्या नुकसान होगा, मासी आ क्या मेरे जिस्म में सुइयां चुभेगी ऐसे ऐसे करके हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल मासी तो रख ली जाएगी, जिद उतना ही शर्मिंदा कराएगी। सब समझ आ रही है मुझे, ये किसके कहने पे ये कुछ हो रहा है। ऐनी ने कहा है ना, मुझे पता है क्यों कहा है उसने, नहीं रखी जाएगी मासी बस। अरे भाई ज्यादा गुस्सा मत करो और मेरी बात इत्मीनान से सुनो। अगर आपके जमाने में मासी नहीं रखी जाती थी तो अब तो हर घर में मासी है। अब चाहे तुम इसे दिखावा समझो या कुछ और, लेकिन जरूरत तो है भाई। हम दिखावा नहीं करते, हम बनावटी लोग नहीं है बस। बात समझने की कोशिश करो इशरत जहां, तीन बहुओं के साथ चौथी भी आ जाएगी। तीन के शौहर कमाते हैं, कल कलां को तीनों के शौहरों में से किसी ने कह दिया जी हमें जरूरत है, आपको क्या फर्क पड़ता है हम रखें या ना रखें? मेरी औलाद ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती, माँ की बात तो रद्द कर ही नहीं सकती। देखो शादीशुदा बच्चों की मजबूरियां वालदैन को समझनी चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो अब पढ़ते नहीं। अरे भाई उनकी अपनी जिंदगियां हैं जो उनको अपनी बीवियों के साथ गुजारनी। पहले तो कभी इस तरह की बात नहीं की आपने, और तुमने भी तो पहले कभी ऐसे पूछा नहीं। देखो मेरी बात मानो, तुम ऐनी को खुद कह दो कि मासी रख ले। मैं और मासी रखने का अपने मुंह से कह दूं, वो भी उसको? कभी भी नहीं कुदरतुल्ला, आपको कहना तो आप खुद कह लीजिए। अरे कोई अकल से काम लो, अगर मैंने कहा तो बुआ ये समझेगी कि आप राजी ना थी, ये मैंने अपने तौर पे कहा और ये आपकी बेइज्जती होगी।
पता ना भाई क्या इज्जत बेइज्जती की बातें लेके बैठ गया, मैंने समझ आ गई। हाय अल्लाह जी, मैं तो कहती हूँ अम्मी जान जो है वो माची रखने के लिए इजाजत दे दें, मैं तो पूरे कार में चिराग जलाऊंगी घी वाले। अरे मैडम उनके लिए घी भी खुद ही खरीदना पड़ेगा, तलवार सिंह कहाँ देंगे। खुशी इतनी बड़ी है खरीद लेंगे। लेकिन यानी भाभी मुझे मुश्किल लग रहा है कि डैडी तलवार सिंह जी को कन्विंस कर पाएंगे। आप फिक्र ही ना करें, इस बार तीर बिल्कुल निशाने पे लगेगा। तलवार सिंह जी तीरों की पुरानी खिलाड़ी, तो क्या करें, जान दे दें घर में काम कर करके। हाँ नहीं तो बहुत होगी भाई, क्या कहेंगी ज्यादा से ज्यादा कि पैसे नहीं देंगी, तो हम दे देंगे मिलकर मतलब तीनों। हाँ ये ठीक है। ठीक है नहीं अफलातून, मासी के। क्यों देर कर रही हो, कह दो मासी का। अरे आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे तीनों बहुएं अपने साथ जहेज में मासियां लेकर आई। अरे कह दूंगी एक दो दिन में, क्या हो गया। अरे भाई मुझे इंतजार का समझ नहीं आ रहा, कह दो ना। अरे इंतजार किस बात का है, क्या मासी भी ढूंढ कर दोगी। अरे मैं क्यों ढूंढने लगी, जिसको जरूरत है वो खुद ढूंढती फिरे। तो फिर कह दो। बात सुन, ये आपको मासी की इस कदर फिक्र क्यों पड़ गई है भाई। बिला मकसद देर मेरी तो समझ से बाहर है, आखिर इंतजार किस बात का, कह दो। ताकि बब्बों में आपकी वाह-वाह होने में देर ना हो इसलिए। अरे मासी रखने में मेरी क्या वाह-वाह। अरे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी है, सास ने इनकार कर दिया और ससुर से काम को कहा तो चुटकी बजाते काम हो गया, ये कामयाबी। बहुओं से तमगा लेने का तुम्हें शौक होगा, और अब बात ना करना मुझे नींद आ रही है। हाँ। अरे अरे देखो तो सही, मुझे और तमगा लेने का शौक, वो भी बहुओं से। अरे सो जाओ तुम तो, पढ़ के सारी जिंदगी गुजार गई समझ ही नहीं सके, मैं और बहुओं से तमगा लूंगी परे और अपना कम्बल। देखिए भाई गुगली साहब, आपकी तरफ हमारे 20,000 रुपए निकलते हैं। 20,000 रुपए? वो किस बात के। किस बात के क्या मतलब भाई, ATH इंग्लिश ला के दिया है मैंने, आपकी बीवी को पूछे अपनी बीवी से। ओहो मज्जी भाई, आप बिना ATH थोड़ी होता है, वो तो ATM होता है। ये देखें मेरे पास है तो सही ATM कार्ड, और भला मेरी बीवी आपसे 20,000 रुपया क्यों निकलाएगी। ओ, मैं जाहिल नहीं हूँ, ATH अंग्रेजी खरीद के लाए 15 किलो 20,000 रुपए में। भाई बताओ ना मैडम अपने शौहर को। वो ना जी मैंने ना मजी पाई थे ATH इंग्लिश मंगाई थी पूरी 15 किलो। ATH है क्या, कुछ मसाले हैं, दालें हैं, मतलब सब्जियां हैं क्या। ओ नहीं जी नहीं, ये ना ATH इंग्लिश है जो मैंने खरीदी है, वो भी स्पीक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ATH इंग्लिश है, ये क्या है दुनिया में, तो आज तक वो किताब तोल कर भी भला कभी बिकी है। ओ मजी भाई आप बताए ना पूरी रटेल डिटेल। तेरी भाभी जब इस तरह की इंग्लिश स्पीकी और बोली जाती है और तुल तुल के किताबें मिलती हो ना, तो फिर डिटेल डिटेल सब बराबर हो जाती है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, वो एक अंग्रेजी टीचर था जिसने कभी टीचिंग नहीं की थी, उसको मैडम की अंग्रेजी समझ में आ गई, तो उसने कभी किसी से बोली तो नहीं लेकिन लिख दी। वही ATH अंग्रेजी जो है मैं आपकी बेगम के लिए लाया, मुबल्लिग 20,000 रुपए में। मजी भाई तहरीम भाभी तो थी ही, देखे अब आप भी शुरू हो गए फिर। एक्सक्यूज मी, मैं मैडम की करेक्शन टीचर हूँ। ओके मैं बताता हूँ भाई, ये जब मैंने ये जो सारा माल मैंने जो खरीदा है बड़ा ही फ्रेश खरीदा है, ये अंग्रेजी ना तो आज तक किसी ने स्पीक की और ना ही लिसन की है। हाँ तो मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया था जे माल लाना है तो देखभाल के फ्रेश माल लाना है, वरना मैं पैसे वापस कर दूंगी। बात सुने, आप दोनों को मेरी बीवी के अलावा इस घर में और कोई अकलमंद इंसान नहीं मिला था, कि आपने आ जाके इसी को ये ATH इंग्लिश बेचनी थी। अरे यार मिस्टर गुगली ये क्या बात हुई यार, ये दिस इज नॉट अ बिजनेस, आपको पहले बताना था, अब तो मैं खरीद चुका। एक चीज तो मुझे एक्सप्लेन कर दे कि ये ATH इंग्लिश है किस चीज का नाम। क्यों बताओ, बताने के भी 500 रुपए होंगे अलग से। अरे तहरीन भाई बता दो, तुम्हारी स्टूडेंट के हेडबैंड जो है ये। एक सेकंड ठहर जाए, ये हेडबैंड क्या होता है? है अरे भाई उसी इंग्लिश टीचर का फ्रेश माल है।
इतनी आसान एटीएच इंग्लिश में नहीं समझते? हेडबैंड हस्बैंड को कहते हैं है? या अल्लाह मफिन। ओह अच्छा लो ये है जी एटीएच इंग्लिश आपकी। Above the head English. Yeah, जो अंग्रेजी ऊपर से गुजर जाए और समझ में ना आए वो बात सबसे निपट लेंगे। आओ भाई पैसे कुल लेकर चलो 20,000 मेरे को। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। ओ जी मैं तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। सोचते ख्वाबों में नहीं है मैडम, ख्वाबों में ही सोचती हैं।